हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो ऑफ मारुति इग्निस। देखो, इग्निस एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है 1200 सीसी के अंदर। कारण, इनके चार सिलेंडर है और कंपेयर टू अदर कार, इनके सेगमेंट में और गाड़ी लेंगे तो उसमें तीन सिलेंडर होता है, उसमें जर्किनेस है, वाइब्रेशन है। लेकिन ये इग्निस 1200 सीसी का चार सिलेंडर गाड़ी है और ज़बरदस्त गाड़ी, हाईली कंपैटिबल गाड़ी है सीएनजी में। एवरेज देखो, इन गाड़ियों में लोकल में 20-22 की एवरेज मिल जाता है और हाईवे पे जाओ तो 30-32 की। आज मेरे पास दो इग्निस हैं और इन दोनों इग्निस का मैं वर्क अराउंड दूंगा। एक इग्निस तो मैंने कम्प्लीटली लगा चुका हूँ और एक दूसरी इग्निस ये लग रही है यहाँ पर। दोनों इग्निस का मैं रिव्यू लेके दूंगा और दोनों इग्निस के अंदर मैं नॉर्मल एडवांसर नहीं लगा रहा हूँ, एज पर कस्टमर डिमांड दोनों पे डायनेमिक एडवांसर लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता या कस्टमर नहीं चाहते कि उनको कहीं भी किसी भी गियर पे कोई लैग हो, कोई जर्क हो, गाड़ी चलाने में वही मज़ा हो जो पेट्रोल पे है। एंड आई चैलेंज एंड से दिस विल रन मच बेटर देन पेट्रोल। So here we go with the workaround of the first Ignis. Just see the quality of the fitting. मज़ा आ जाएगा भाई। तो इसके अंदर देखो, ये इसमें जो किट लगाया हमने, मीजो का BS6 का किट लगाया। दिस इज़ 48 पिन मेटालिक ECM। ये नीचे देखेंगे आपका ECM जो है, जो मारुति में लग के आता है, और ये ऊपर हमारा ECM है जो CNG का है। ये वायरिंग जो जा रहा है, मेन काम ये है, जो ये वायरिंग जा रहा है, ये सारा एक स्पाइरल ट्यूबिंग में जा रहा है। अब ये नीचे वाला वायरिंग देखो, ये मारुति ने लगा के दिया है और सेम वैसे ही हमने ऊपर दिया है। जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द वायरिंग, मज़ा आ जाएगा। ये फिलिंग वाला है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पर जा रहा है। इस पर इंजेक्टर्स पर हमने कोई वायर कट नहीं किया है, सारा सॉकेट टू सॉकेट है, कपलर टू कपलर, सारा कपलर टू कपलर है। ये रिड्यूसर है, डबल स्टेज का रिड्यूसर है। यहाँ पे हमने रिड्यूसर पे कूलेंट कनेक्शन करके दिया है। ये नीचे से ये पाइप आ रहा है ये रिड्यूसर पे। कूलेंट कनेक्शन के बहुत फ़ायदे हैं, वो मैंने हमेशा अपने वीडियो में बताया हूँ मैं। ये आपका फ़िल्टर है ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर होके जाए, और ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है, और पीछे आपका इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पम्प हो रहा है। और सॉलिड फिटिंग डन वंस अगेन इन मारुति इग्निस। अब ये इस गाड़ी को हम लेके चल रहे हैं CNG पंप। इन द मीनवाइल मैं इसका बूट आपको दिखा देता हूँ, आइए। इस पे जो सिलेंडर लगाया है, इस पर कस्टमर डिमांड, इस पे खड़ी स्टेपनी लगाया ताकि ये बड़े से बड़ा बैग भी इसके ऊपर रख सकते हैं, एम बूफर वगैरह कुछ भी, एम बूफर कुछ भी रख सकते हैं। इसमें जो स्टैंड है अपना, मोल्डेड रबर ग्रिप पाइप स्टैंड, TVS नाइलन लॉक नट बोल्ट। और एक बार CNG डलने के बाद अभी इसके लीकेज चेक करके इसके डक्ट का क्लैंपिंग करूँगा। अब चलते हैं एक बार CNG पंप। इस इग्निस का भी रिव्यू लूँगा और आगे एक और इग्निस खड़ी है उसका भी रिव्यू लेके दूंगा मैं। दोनों इग्निस का रिव्यू लेके दूंगा, अब देखते हैं दोनों गाड़ी कैसी चलती है। इस गाड़ी में भी सेम वही किट लग रहा है। दिस इज़ मीजो BS6 जो मारुति में अप्रूव्ड है। इसके अंदर मेंशनड है आपका इग्निस जो है, ये मेंशनड है मारुति। देखो इसमें मारुति स्विफ्ट है, डिज़ायर है, वैगनर है, बलिनो है, ईको है, आपका इग्निस है, सारी गाड़ियाँ। अब इस गाड़ी के अंदर फिटिंग हो जाने दो, इसकी पूरी फिटिंग दिखाऊंगा मैं, एक बार फिटिंग हो जाने दो और फिर इस गाड़ी की भी ट्रायल लूँगा और कस्टमर रिव्यू लेके दूंगा मैं। सो हियर वी गो विद द फिलिंग इन द मारुति इग्निस। दिस इज़ द फर्स्ट इग्निस। एक और इग्निस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा मैं। और सुपर इंस्टॉलेशन डन, मज़ा आ जाएगा भाई। ये फिटिंग ऐसी है जैसे कि आपको लगेगा जैसे मारुति ने खुद लगा के दिया है। जो सिलेंडर लगाया हमने इसमें, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, डैट इज़ 55 लीटर 11 kg सिलेंडर, वो भी दिखाऊंगा गैस कितनी आ रही है 11 kg सिलेंडर में। ये आपका मीजो का BS6 किट है, मेटालिक ECM 48 पिन का। ये नीचे आपका मारुति का ECM है, ऊपर हमारा ECM है। ये रिड्यूसर है डबल स्टेज का, ये फिल्टर है, ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है, और ये इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है, ये ब्लैक कलर का। हाँ जी, और इस पे इंजेक्टर्स का आपका सारा कपलर टू कपलर वायरिंग है,
इसमें इंजेक्टर्स के कोई वायर कट नहीं है। इसमें हमने डायनेमिक एडवांसर लगाया। वैसे नॉर्मली क्या है कि आपका स्टैटिक एडवांसर भी बढ़िया काम करता है, लेकिन वी हैव पुट ऑन डायनेमिक एडवांसर एज पर कस्टमर डिमांड, ताकि इनको कहीं भी किसी भी स्पीड पे या किसी भी गियर पे कोई लैग ना मिले, गाड़ी चलाने में वही आनंद मिले जो पेट्रोल पे है। एंड बिलीव मी, चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये गाड़ी आपकी पेट्रोल से भी बढ़िया चलेगी। एंड सी द वायरिंग ऑफ दिस कार, आपके डायनेमिक एडवांसर से और आपका ECM से ये जो वायरिंग जा रहा है, आपके ECM से भी ये जो वायरिंग जा रहा है, ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है प्रॉपर स्लीव। ये नीचे वाला वायरिंग आपका मारुति का है, ऊपर वाला हमारा है। अ सुपर्ब इंस्टॉलेशन डन, मज़ा आएगा भाई। अब एक बार इस गाड़ी की पहले देखते हैं, जो इसमें सिलेंडर है, दिस इज 55 लीटर 11 kg सिलेंडर, इसमें देखते हैं गैस कितनी आती है। लगभग 4.5 किलो गैस आ चुका है। अब एक बार ये भी चेक करा दूंगा गैस कितनी आ रही है। kg has been crossed. देखो, जो आपका 11 kg का सिलेंडर है उसमें लगभग 7.5 किलो गैस, 7.5-8 भी आ जाता है, और जो 12 kg का है उसमें 8.5-9। 7 kg has been crossed. देखो, ये बेसिकली हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं है इस गाड़ी में कौन सा सिलेंडर लगेगा। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दिया है कि इस गाड़ी के अंदर 55 लीटर सिलेंडर पास है, तो जैसे गवर्नमेंट ने पास किया उसी हिसाब से हम लगाएंगे, तो RC पे एंडोर्समेंट होगा। ऑलमोस्ट 8 kg हैज बीन क्रॉस। मतलब देखो, विंटर में क्या है कि गैस थोड़ी ज़्यादा आती है कंपेयर टू समर्स। समर में कम आएगा, विंटर में ज़्यादा आएगा। लगभग 8.25 किलो गैस आ गई है। अब चलते हैं, एक बार सेटिंग करते हैं और एक बार ट्रायल लेते हैं और देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है। इस इग्निस का भी और दूसरे इग्निस एक और लग रही है उसका भी रिव्यू लेके दूंगा। सो दिस इज मारुति इग्निस BS6 फिटिंग अल्टीमेट एज कंपनी फिटेड। एक बार भाई, फीलिंग है। और भाई गाड़ी कैसी चल रही है? गाड़ी मेरे को यही नहीं पता लग रहा पेट्रोल पे है गैस पे है, हकीकत तो ये है। Really? मेरे पास सिलेरियो थी CNG फिटेड, वो देखे मैं इग्निस लेके आया हूँ पेट्रोल की, और आपसे मैंने CNG लगवाई तो मेरे को फील नहीं हो रहा मैं CNG गाड़ी चला रहा हूँ। बिल्कुल पता नहीं लग रहा, नहीं पता लग रहा। इससे पहले मैंने आपकी नेक्सॉन में भी लगाया था। दो नेक्सॉन में लगा चुके हो? एक को अभी संडे को लग के गए थे और एक उससे पहले। उसमें भी कोई बंदा कह नहीं सकता। उस बंदे उसकी मैं वो बताता हूँ, वो नेक्सॉन जिसमें पहले वाले में लगी थी तकरीबन आपसे 4-5 महीने पहले मैंने स्कॉर्पियो के साथ उसकी रेस लगा के देखी और वो CNG पे थी। मैंने स्कॉर्पियो को नहीं जाने दिया। तो आपने उसमें स्पोर्ट्स मोड कर दिया होगा ना? चाहे कोई हो या मोड़ था, गाड़ी CNG पे थी, बात ये थी। मैंने स्कॉर्पियो को भी नहीं जाने दिया था। चलो डीजल, मतलब ये पता नहीं लग रहा था कि CNG एक पेट्रोल अलग डीजल है। पहले जो चलती थी CNG में गाड़ी उसमें ये पता लग रहा था भाई CNG चल रही, दबी चल रही है। अब इसमें ये पता है मुझे कि ये CNG पे नहीं चल रही। अब टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो गया। मैंने आपको क्या कहा भाई, पेट्रोल से 21 चलेगी। मैं लगवाने के लिए एग्री हुआ ना इसी बात पे। आप डायनेमिक लगाओ, मैं गारंटी चैलेंज के साथ कहता हूँ पेट्रोल से 21 चलेगी। और वही चीज है, बिल्कुल सेम। चलो भरोसे पे दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक और संडे को एक गाड़ी और भेजूंगा आपके पास इग्निस। चलो थैंक यू। एक और इग्निस खड़ी है उसका भी रिव्यू लेके दूंगा, जस्ट होल्ड ऑन। फाइनली द सेकेंड इग्निस वॉक हैज बीन डन। आई विल जस्ट शो यू द वर्कमैनशिप। इन वॉकमैनशिप दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अभी लगभग 10:30 बजने वाले हैं एंड इट विल टेक मी अनदर हाफ एन आवर CNG डलवा के सेटिंग करके और इनका रिव्यू लेने में। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड डे इन एंड आउट एंड गिविंग आर बेस्ट क्वालिटी बेस्ट वर्कमैनशिप इन ईच एंड एवरी कार। आइए मैं हल्का सा एक वॉक अराउंड दे दूं मैं आपको। सेम क्वालिटी जो इग्निस में दिया था, सेम क्वालिटी मैंने इसमें दिया। ये आपका ECM है, मेटालिक ECM मीजो का, जो इसमें अप्रूव्ड है 48 पिन का। नीचे आपका मारुति का ECM है और ऊपर हमारा है।
इसमें मैंने डायनेमिक एडवांसर भी लगा के दिया, बिकॉज उस भाई को भी बहुत मज़ा आया डायनेमिक एडवांसर में। नॉर्मल स्टैटिक एडवांसर भी चल जाता है, लेकिन एक 5,000 रुपये बचा के क्या फ़ायदा। मज़ा आपको, देखो गाड़ी आपको सालों साल चलाना है, मज़ा उसी में है जो आपको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, हल्का फुल्का भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी चलाने में वही आनंद आएगा जो पेट्रोल पे है। एंड दिस कार इज़ गोइंग टू रन इवन बेटर देन पेट्रोल। ये आपका डबल स्टेज का रिड्यूसर है, पीछे से जो भी गैस आ रहा हाई प्रेशर में आ रहा है यहाँ रिड्यूस हो रहा है, और साथ में मैंने फ़िल्टर लगा के दिया, ये किट में नहीं आता, ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर होके जाए। इसके अंदर जो है मैंने ECM जो है यहाँ, इसका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है, और ये इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पम्प हो रहा है। इसके अंदर मैंने इंजेक्टर्स में सारा कपलर टू कपलर वायरिंग किया, इंजेक्टर्स के कोई भी वायर कट नहीं है, ये सारा सॉकेट टू सॉकेट है। और ये साइड में मैंने फिलिंग वाल दिया यहाँ पे, ताकि यहाँ से आराम से ये फिलिंग कर पाए। इनका एक मैंने साइड फिलिंग वाल भी लगा के दिया मैंने, ये वैसे तो आगे से कम ही डलवाएंगे। इनका साइड फिलिंग वाल मारुति में जो कंपनी फिटेड में आता है, मेड इन जर्मनी, वह कंपनी का, वो लगा के दिया हूँ मैं। आइए दिखाता हूँ मैं, सी दिस इज़ द साइड फिलिंग वाल। वैसे मैक्सिमम ये यहीं से डलवाएंगे, अभी भी हम जो गैस डलवाने जाएंगे यहीं से डलवाएंगे। ये मारुति में वह कंपनी का जो मेड इन जर्मनी जो फिलिंग वाल्व आता है, वो लगा के दिया हमने। और इसके अंदर जो पहले वाले जो इग्निस में है, स्टेपनी खड़ी रखा था मैं, इसके अंदर जो है मैं स्टेपनी अपने जगह पे रखा हूँ। दिस ऑल थिंग्स आर डन एज पर डिमांड ऑफ द कस्टमर। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई कौन सा अच्छा है, तो मैं इसको अच्छा बोलूँगा। अब सबका अपना डिमांड है। उस भाई को क्या था, उनको बड़ा सामान रखना था, बड़ा सामान में मतलब वो कौन सा बूफर बेस ट्यूब क्या क्या रखना था, तो उनके लिए जो है खड़ी स्टेपनी सही था। सबका अपना नीड है। इन भाई के लिए सबसे बेस्ट ये रहा, स्टेपनी आपका नीचे है, और इसमें जो स्टैंड लगाया हमने, एक मिनट दिखाता हूँ मैं कि आप देखो इसमें जो स्टैंड दिया, मैक्सिमम जो क्रैक होने का संभावना होता है गाड़ियों में, वो होता है राइट साइड से। तो यहाँ पे मैंने ब्रॉडर शीट में पूरा सपोर्ट दे दिया, ताकि ये बॉडी कभी भी क्रैक ना हो सिलेंडर के वजन से। इसमें जो नट बोल्ट लगाया मैंने, TVS कंपनी का नैलो लॉक नट बोल्ट लगाया, एक बार फिक्स हो जाएगा, कभी लाइफ में लूज़ नहीं होगा। और इसमें जो मोल्डेड पाइप स्टैंड है अपना, ये सारा प्रॉपर हैवी स्टैंड है, दोनों तरफ आपको सपोर्ट दे रखा है, और इसके अंदर रबर ग्रिप के साथ लगा के दिया है मैंने, सुपर। अब एक बार CNG पंप चलते हैं, CNG डलवाते हैं, लीकेज चेक करेंगे, उसके बाद ये डक्ट क्लैंपिंग करूँगा, इसका क्लैंप ये रहा, ये सारा क्लैंपिंग करूँगा। चलते हैं एक बार CNG पंप, CNG डलवा के एक बार देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है। आइए, सो हियर वी गो विद द फिलिंग इन द मारुति इग्निस। इसमें जो हमने वाल लगाया, एक तो आगे भी लगाया और साइड में भी लगा के दिया है, और इसमें जो सिलेंडर है जो अप्रूव्ड है, दैट इज़ 55 लीटर 11 kg सिलेंडर। इसमें गैस कितनी आ रही है वो भी दिखाऊंगा। इन द मीन वाइल आप इसमें मारुति में जो कंपनी फिटेड में आपका जो वाल्व आता है, वो वाल्व लगा के दिया हमें। और इस वाल्व में खूबी ये है कि इसकी फिलिंग फास्ट है, अब लगभग 6 किलो क्रॉस कर चुका है इन हार्डली 10 to 20 seconds। अभी जैसे सर्दी है, गैस ठीक ठाक आ रहा है, 7 kg हैज़ बीन क्रॉस्ड। जैसे पेट्रोल फिलिंग होता ना फास्ट, वैसे ही ये साइड फिलिंग वाल से फिलिंग फास्ट है। 8 kg हैज़ बीन क्रॉस्ड। देखो गर्मियों में इतनी गैस नहीं आएगी, गर्मियों में आएगी 7.5-8, सर्दियों में देर इज़ नो लिमिट, 11 kg के सिलेंडर में भी 10 किलो गैस आ जाती है। अब ये देखो इसमें जो है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कूलनेस विंटर, इसमें लगभग 9 किलो के करीब आ रहा है, 9 kg हैज बीन क्रॉस्ड। चलो 9 किलो गैस आ चुका है 11 किलो के सिलेंडर में। अब एक बार चलते हैं, सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं, और देखते हैं ये दूसरी इग्निस कैसी चलती है। आइए, सो दिस इज़ द सेकेंड इग्निस। ऑल थिंग्स वर्क डन प्रॉपरली, पूरा सब कुछ जो लगना चाहिए, इवन डायनेमिक एडवांसर दोनों इग्निस में मस्त एकदम। एक बार ओंकार जी से पूछता हूँ मैं,
भैया फिटिंग कैसी रही? बहुत कैसी, बहुत बेहतरीन लगी, बड़ी स्मूथ है फिटिंग, जो गाड़ी है बहुत स्मूथ चल रही है और फिटिंग भी नीट एंड क्लीन है। और सबसे बेहतरीन मुझे लगा जो सिलेंडर की फिटमेंट थी पीछे, और जहाँ मुझे थोड़ा स्पेस भी निकल के आ गया तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। वो साइड फिलिंग वाल्व भी लगा, साइड फिलिंग वाल्व भी बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़िया बहुत जल्दी भरा सिलेंडर जो है, बहुत जल्दी भरा। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा था बिल्कुल स्मूथली, हाँ लग नहीं रहा था कि भाई कहीं से। सबसे बड़ा प्रीमियम लुक थोड़ा सा आ जाता है उसमें कि हाँ भाई कि आप साइड में से डलवा, बोनट खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत फिलहाल जो गाड़ी चला रहे हैं, पहले इससे पहले आप पेट्रोल पे चला रहे थे, अब जो सीएनजी पे चला रहे हैं, क्या फर्क है? अभी तो कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा, कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा, लग रहा बस वैसे ही लग रहा है तो कि जैसे पेट्रोल पे ही चल रही है फिलहाल तो। बस चल रहा है? हाँ बस चल रहा है, चलने में शुरू कम। थैंक यू। आपने भी मेरा बहुत वीडियो देखा है आपने। बिल्कुल हाँ, मैं वीडियो देख के ही तो आया हूँ आपके पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलो लेकिन जो वीडियो में देखा आपने, हाँ बिल्कुल मिला मेरे को, एक्चुअल मिला। और आपका व्यवहार अच्छा लगा, आपकी सर्विस अच्छी लगी, इसीलिए मैं आया हूँ। आपको कहा था आपकी लास्ट गाड़ी थी, मैंने कहा था जब तक आपकी गाड़ी ना करके भेजूं मैं घर नहीं जाऊंगा। और मैंने आपको ये भी बोला कि मुझे सीएनजी वाले जानते 225 हैं, लेकिन मैं आपसे ही करवाऊंगा क्योंकि काम मेरे को अच्छा लगा आपका। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर। सो दिस इज द क्वालिटी। चलो काफ़ी रात हो गया, रात को 11 बज रहा होगा अभी। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए, इग्निस का सॉलिड वीडियो, मतलब मैं पूरा डिटेल में वीडियो डालता हूँ ताकि आप एक एक चीज़ आप देख पाओ, एक एक चीज़। कहीं जो चीज़ उस नेक्सॉन में इग्निस में छूट रहा है, इस इग्निस में आप देख पाओ, तो मैं सारा डिटेल में डाल के देता हूँ मैं, और पूरा रिव्यू के साथ। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर न्यू। एक लाइक तो ज़रूर बनता भाई, पूरे मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं, और शेयर करें। थैंक यू।